पटना से बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कोटा में कांग्रेस की बैठक में हंगामा हुआ है, आपस में उलझ गए हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी पर की है टिप्पणी, पर बिगड़ी है बात। कार्यकर्ता जाकिर को त्यागी समर्थकों ने घेरा है, धक्का मुक्की के बाद मारपीट तक की आ गई नौबत। बाद में पदाधिकारियों ने समझाइश कर मामला शांत किया। तो कोटा में कांग्रेस की बैठक में यह हंगामा देखने को मिला है, जहां पर आपस में ही उलझ गए हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी पर भी की गई है टिप्पणी, लेकिन यहां पर बात जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ गई है। कार्यकर्ता जाकिर को त्यागी समर्थकों ने यहां पर घेरा है और धक्का मुक्की के बाद मारपीट तक की नौबत आ गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जहां पर कांग्रेस की बैठक में ये हंगामा हुआ है। इस हंगामे के पीछे क्या कुछ वजह है ये भी जानेंगे, लेकिन जिस तरीके से हंगामा हुआ है और यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और यहाँ पर समझाइश कर मामला जो है उसे शांत करवाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धक्का मुक्की की जा रही है और काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे जिस तरीके से ये कांग्रेस की बैठक हो रही थी, और बैठक के बीच में ही ये हंगामा देखने को मिला है। तस्वीरों को देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर बहसबाजी हो रही है, और बहसबाजी के बीच ही यहाँ पर ये हंगामा और बढ़ता चला गया, नौबत यहाँ पर मारपीट तक की आ गई।